आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यहां से अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर या फिर यहां से एयरटेल पेमेंट का बीसी एजेंट बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं फ्रेंड कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सीधा यहां से एयरटेल पेमेंट बैंक के ना तो आप लापू नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, ना ही फ्रेंड आप यहां से एयरटेल पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट बन सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट आपको स्टेट बाय स्टेट बनाना रहता है। आप किसी अदर स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर पा भी जाएंगे तब भी आप यहां से एयरटेल पेमेंट बैंक के यहां से रिटेलर आप नहीं बन सकते हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद आपको यहाँ से पता चलेगा आप कैसे अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर पता कर सकते हैं, लापू नंबर क्या होता है और लापू नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और आप यहाँ से एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर या कैसे बन सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक के या पैसे किसी बी सी एजेंट कैसे बन सकते हैं। मैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड चलिए हम लोग जान लेते हैं कि अगर आप यहाँ से एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर प्राप्त कर सकते हैं अपने स्टेट का, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना रहता है। तो यहाँ से फ्रेंड आपको मित्रा ऐप्स को ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन में जाता है एयरटेल पेमेंट बैंक का, आपको इस एयरटेल पेमेंट बैंक वाले ऑप्शन में आ जाना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से एयरटेल पेमेंट वाले ऑप्शन में आएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है बी एन एजेंट, आपको सिंपली बी एन एजेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जब फ्रेंड आप यहाँ से बी एन एजेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर फ्रेंड आप यहाँ से फिर इसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, जहाँ से आपको यहाँ से ओटीपी देख गेट ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक ओटीपी सेंड करना रहेगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ से ओटीपी को इंटर करना रहता है। ओटीपी इंटर करके फ्रेंड आप यहाँ से प्रोसीड करके कंप्लीट प्रोसेस करके आप यहाँ से अनबोर्डिंग कर सकते हैं रिटेलर के लिए। लेकिन फ्रेंड एक चीज़ याद रखें, आपको यहाँ से अनबोर्डिंग करने से आप यहाँ से रिटेलर नहीं बन सकते हैं जब तक आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको यहाँ से उसे वेरीफाई नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ से अनबोर्डिंग करेंगे तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास यहाँ से रिक्वेस्ट जाता है, अगर उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ वेरीफाई कर दे तो अब आप यहाँ से एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी यूज कर सकते हैं, बीसी एजेंट आप यहाँ से बन सकते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड बात आती है आप एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर कैसे पता कर सकते हैं अपने एरिया में। डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर कैसे पता करना, उससे पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं लापू नंबर क्या होता है। यहाँ से जो आपको नॉर्मली सिम मिलती है, जैसे किसी भी शॉप में जाके आप किसी यहाँ से आप रिटेलर से सिम लेते हैं, वो फ्रेंड आपको प्रीपेड सिम मिलती है। आपको यहाँ से पता होगा फ्रेंड आप तीन प्रकार सिम का, प्रीपेड, पोस्टपेड और लापू नंबर। लापू नंबर वह नंबर होता है फ्रेंड जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा एक रिटेलर को दिया जाता है जिनके पास शॉप होती है, रिटेलर को दिया जाता है जिनसे रिटेलर रिचार्ज करके 6% तक कमीशन अर्न कर सकता है। आप जब भी किसी शॉप में रिचार्ज कराने जाते हैं, अगर वो एयरटेल का शॉप ओपन किया है, एयरटेल का रिटेलर है, आपको नंबर से रिचार्ज करें उसमें आपको उसको 6% तक का कैशबैक मिलता है। तो यहाँ से फ्रेंड आप इस प्रकार लापू नंबर प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से आप जान गए होंगे कि लापू नंबर क्या होता है। अब यहाँ से फ्रेंड बात यह आती है कि आप यहाँ से कैसे पता कर सकते हैं आपके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। तो इसके लिए फ्रेंड आपको मैं दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका एक आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इनके कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जहाँ से इनको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 400 रहता है, एक और नंबर रहता है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड आप पता कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड इससे मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ आप कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी आपके एरिया के रिटेलर हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के, आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है। वहाँ से फ्रेंड उनके यहाँ जाएंगे, यहाँ से माय प्रोफाइल में, तो उनके माय प्रोफाइल में आरएम और यहाँ से फ्रेंड जो ऊपर अधिकारी होते हैं उनका नंबर दिया रहता है और आपके एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उनका भी नंबर उसमें दिया रहता है। अगर फ्रेंड वहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर नहीं मिलता तो भी आपको आरएम फिर किसी का भी आपको किसी भी अधिकारी का नंबर मिलता है वहाँ से आपके एरिया का, तो आप उनसे उस नंबर को ले लेना है। नंबर लेने पर फ्रेंड आप उनसे कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट करने वहाँ से आपको उनको बोलना है कि मुझे एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर चाहिए, मुझे इस प्रकार शॉप ओपन किया, मुझे रिटेलर से यहाँ से लापू सिम चाहिए, या फिर आप यहाँ से बता सकते हैं मैं एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी मार्चेंट बीसी एजेंट बनना चाहता हूँ। वहाँ से उनके द्वारा पूरी जानकारी प्राप्त की जाएगी। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आपके एरिया में बैंकिंग पॉइंट कैसे हैं, चलिए हम आपको दिखा देते कैसे आप उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की साइड में आ जाना है। अगर फ़ोन में यूज़ करें तो इसे आपको डेस्कटॉप वर्जन में इसे कन्वर्ट कर लेना है। नीचे आएंगे फिर हेल्प एंड हैंड में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है बैंकिंग पॉइंट, आपको इस बैंकिंग पॉइंट वाले
ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से बैंकिंग पॉइंट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से लिखा गया फाइंड एयरटेल पेमेंट बैंक, यहाँ से फाइंड एयरटेल पेमेंट सिटी और पिन कोड, या फिर पिन कोड के हिसाब से या फिर सिटी के हिसाब से आप इसे सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी एरिया के यहाँ से पिन कोड डाल देंगे, चलिए वहाँ से एक एरिया का हम पिन कोड डाल देते हैं। जैसे फिर आप यहाँ से पिन कोड डाल के सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर फ्रेंड आप यहां से देख सकते हैं जितने भी आपके एरिया में यहां से नंबर रहेंगे पेमेंट बैंक जो भी यूज कर रहेगा उनका यहां से नाम मिल जाएगा। जैसे सूर्या मोबाइल यहां से आप देख सकते हैं बताया जा रहा है सूर्या मोबाइल यहां से कितने किलोमीटर दूर है, ये नंबर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से कस्टमर केयर का नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पर फ्रेंड बहुत सारे आपको यहाँ से दूरी भी दिखा देता है और वहाँ से आप कुछ जो बैंकिंग पॉइंट उनका नाम भी आपको यहाँ शो कर रहा है, नहीं मोबाइल जिनकी शॉप का नाम है, आप यहाँ इनसे जाके वहाँ से अपने एरिया के आई एम फिर उनसे पता कर सकते, फिर उनसे पूछ सकते हैं आपको एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर कैसे मिला था और आप भी बनना चाहते कैसे बन सकते हैं, इनके द्वारा आपको पूरी हेल्प की जाएगी। इस प्रकार फ्रेंड आप यहाँ से अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक चीज़ फिर बार बताता हूँ, फ्रेंड आपको अपने स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर से ही फ्रेंड आपको ये आईडी लेनी पड़ेगी, यहाँ से MCIG एयरटेल पेमेंट बैंक की, तभी आप उसे यूज कर सकते हैं क्योंकि स्टेट बाय स्टेट दिया जाता है। सो फ्रेंड ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते, डिस्ट्रीब्यूटर से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप यहाँ से BC एजेंट बन सकते हैं या फिर रिटेल बन सकते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दें, उम्मीद करते हैं वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फिर से जरूर करें, मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमें चाहे इंस्टाग्राम पर वहाँ पूछ सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों लिंक मिल जाता है, जितने भी नए अपडेट रहते हैं मैं आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम में अपडेट करता हूं, तो हमें जाकर ज्वाइन कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कॉल पर क्लिक कीजिएगा, जिसको जितने भी नए नए अपडेट आता है नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचा जाने मिले। डॉक्टर जय हिंद, टेक केयर।